Hello students. Now we will doing second equation of motion by Newton's. It is also called the position-time equation of motion. It means s is equal to ut plus one by two at square. <coughs> so there is graphical. रिप्रेजेंटेशन फिगर ओ सी इज एक्स एक्सिस दैट इज रिप्रेजेंट बाई टाइम टेकन एंड ओ ईजेलोसिटी एंड इट इज वाई एक्सिस ओ सी के जो पैरल है यहां से जब अब बॉडी जो है ओ से चलकर कर ए तक पहुंचता है जिसका इनिशियल वेलोसिटी यू है तो ए तक पहुंचने के बाद यहाँ पे जो हम इस ओ के पैरेलल जो लाइन खींचते हैं ए डी तो ये न, ये अगर टी है तो ए डी भी टी होगा और चूँकि ओ अगर यू है तो यहाँ पे जो हम नाम अगला जो पॉइंट देते हैं यहाँ पे डी तो ये सी डी भी इनिशियल वेलोसिटी यानी यू के इक्वल होगा ठीक है अब ये ऑब्जेक्ट जो है ए से चलकर जो है बी तक पहुंचता है तो बी से सी तक जो है वो है फाइनल वेलोसिटी भी ठीक है तो फाइनल <coughs> वेलोसिटी भी हो गया तो इन द ग्राफ ए बॉडी मूविंग विथ इनिशियल वेलोसिटी यू विच इज नॉट जीरो इन टाइम टी, है ना रिड्यूस टू फाइनल वेलोसिटी भी तो बी सी इज इक्वल टू क्या होगा बी डी प्लस डी सी बी सी इज इक्वल टू बी डी प्लस डी सी बी डी तो बी सी uh, जो है वो टोटल कितना है फाइनल वेलोसिटी भी और डी सी क्या है डी सी इक्वल टू ओ ए तो दैट इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी यू तो बी डी इज इक्वल टू

माइनस uh, यहाँ पे आप देखिए भी माइनस माइनस यू इज टू क्या हो गया ए टी तो इसके जगह पे हम बी डी लिखेंगे तो बी डी इज्कल टू क्या हो गया ए टी क्लियर है तो आगे चलेंगे तो एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ जो यहाँ से ओ ए बी सी ये एरिया जो है अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ जो आता है तो वी नो दैट द एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ गिव्स द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बॉडी गिव्स द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बॉडी तो हेयर वी कैन सी दैट देयर इज ए टू फिगर फर्स्ट रेक्टेंगल एंड सेकेंड ट्रैंगल तो रेक्टेंगल ए डी सी ओ या यूं कहिए ओ ए डी सी ये रेक्टेंगल हो गया चूँकि ये रेक्टेंगुलर है और यहाँ पे जो है ए बी डी ये क्या हो गया ए बी डी रेक् हो गया तो एरिया डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बॉडी तो टोटल एरिया क्या हो जाएगा टोटल एरिया जो डिस्टेंस हम कवर करता है बॉडी तो टोटल एरिया इक्वल टू एरिया ऑफ रेक्टेंगल प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल ठीक है तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है ब्रेथ इंटू लेंथ तो एस इज इक्वल टू एस क्या है टोटल डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बॉडी है ना तो एस हो गया तो एस इज इक्वल टू ब्रेथ इंटू लेंथ प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या हो गया वन बाई टू बेस इंटू हाइट ठीक है तो ब्रेथ क्या हो गया ब्रेथ हो गया आपका ब्रेथ <coughs> uh, हो गया आपका ओ ए तो ओ ए इक्वल टू सी डी है ठीक है क्लियर है और लेंथ क्या हो गया तो ओसी इंटू है प्लस वन बाई टू बेस बेस इंटू हाइट ऑफ द ट्राइंगल क्या हो गया बेस क्या हो गया एडी हाइट क्या हो गया बी डी ठीक है ना ये हाइट हो गया हाइट ऑफ द ट्राइंगल ठीक है क्लियर है तो एडी इंटू बी डी तो एस इज्कवल टू ओ एक्ल टू कितना हो गया इनिशियल वेलोसिटी यू ओसी क्या है ओ सी टी टाइम टेकन है तो U इन टू टी प्लस वन बाई टू ए डी तो ए डी इज इक्वल टू क्या है ए डी इक्वल टू ओ सी दैट इज इक्वल टू टी एंड बी डी तो हाइट बी डी है तो बी डी वी कैन फाइंड दैट बी डी इज टू क्या है ए टी बी डी इज्कल टू ए टी जो ऊपर जो हम प्रूफ किए हैं वहाँ पे इसकी वैल्यू चूंकि यहाँ पे हम ब्रैकेट में यहाँ पे हम लिख सकते हैं बी डी इज्कल टू ए टी है ना और जब इसका वैल्यू पुट अप करेंगे तो यहाँ क्या हो गया आ, यहां पे हो जाएगा 18 ठीक है तो यू टी ये तो मल्टीप्लाई uh, करके यू टी हो गया प्लस वन बाई टू टी ए टी तो ए टी इंटू टी क्या हो गया टी स्क्वायर और ये आ गया तो वन बाई टू ए टी स्क्वायर दिस वाज द सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन ठीक है तो इस तरह से हम इसको ग्राफिकल रिप्रेजेंट करते हैं ठीक है तो नेक्स्ट <coughs> और इसको हम जो है कहेंगे क्या कहेंगे पोजीशन टाइम इक्वेशन ऑफ मोशन ठीक है तो नेक्स्ट हमारा जो न्यूटन्स थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन जो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन है आ, उसको हम कहते हैं पोजीशन वेलोसिटी इक्वेशन ऑफ मोशन ठीक है ना तो इसका जो थर्ड इक्वेशन क्या हो गया वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज्कल टू टू एस इसको हम प्रूफ करते हैं क्लियर है तो यहाँ पे जो है हम लेके देखेंगे कि इसका भी जो ग्राफ होगा वही ग्राफ होगा जो हम आपको अभी दिखा रहे हैं एक सेकेंड तो ग्राफ यहीं पे हम लेके चलेंगे जो ग्राफ हम आपको दिखाए हैं इसमें टोटल जो है सब इसी तरह से ये फिगर बनाएंगे और इसका वो जो है द इसका इनिशियल वेलोसिटी हो जाएगा बी सी इसको फाइनल वेलोसिटी हो जाएगा और उसके बाद ओ सी क्या हो जाएगा टाइम टेकन हो जाएगा तो ओ सी पैरल क्या है ए डी है तो ये भी टाइम टेकन हो गया और ओ ए जितना है उतना ही सी डी है तो यहाँ पे जो हम लेंगे इस ग्राफिक इस ग्राफ में तो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन में हम एक और प्लस ट्रैंगल नहीं लेके चलते हैं बल्कि इसको हम ट्रैपेजियम लेके चलेंगे है ना क्या लेके चलेंगे ट्रैपेजियम तो ये ट्रैपेजियम हो गया ओ ए बी सी ओ ए बी सी तो यहाँ पे आइए चलते हैं सेक्ट थर्ड इक्वेशन में हमेशा याद रखिएगा कि एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ में हम जो है जो डिस्टेंस ट्रेवल करता है तो एरिया इस कल टू क्या हो जाएगा एरिया ऑफ ट्रेपेजियम तो वी नो दैट द एरिया ऑफ ट्रेपेजियम तो क्या होता है सम ऑफ पैरेलल साइड सम ऑफ पैरलेल साइड बाई टू है ना या यूं कहिए सम ऑफ पैरलेल साइड इन वन वन बाई टू इन डिस्टेंस बिटवीन द पैरल साइड यानी इन हाइट इसको कहेंगे हाइट uh, को डिस्टेंस बिटवीन पैरल साइड जो यहाँ पे आपका जो हाइट uh, जो, जो जैसे या जैसे ये आप लिखते हैं कि पैरलेल साइड तो पैरल साइड क्या हो गया तो ए का पैरल क्या हो गया बी सी हो गया इसका पैरल ये है ठीक है और इसका हाइट क्या हो जाएगा हाइट हो जाएगा इसका ए डी लीजिए या ओ सी लीजिए क्लियर है तो यहां पे ओ ए पैरल बी सी और बाई टू इन टू हाइट ओ सी तो यहां पे देखिए क्या है एस यानी डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बॉडी एस इज इक्वल टू पैरेलल साइड बी सी प्लस ओ ए बाई टू इंटू डिस्टेंस बिटवीन द पैरल साइड यानी हाइट

क्योंकि ओ सी इज कल टू या ए डी जो है दोनों इक्वल है तो ये दोनों टी है टाइम टेकन है और बी सी फाइनल वेलोसिटी है ओ ए जो है तो इसका पैरल ये है बी सी ओ ए का पैरल बी सी है तो समल साइड तो ये आप भी प्लस यू कहिए या यू प्लस भी कहिए दोनों सेम है लेकिन भी प्लस यू ही कहेंगे यू प्लस भी नहीं करेंगे तो आगे जो है यहाँ पे हम देखते हैं तो ये क्या हो गया ये हो गया भी प्लस यू बाई भी प्लस यू बाई टू इंटू टी वी नो दैट हम लोग जानते हैं बाय द फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन से कि भी इजकल टू यू प्लस एटी भी इजकल टू यू प्लस एटी फर्स्ट इक्वेशन जो हम प्रूव किए थे उसमें से उसी फार्मूले को हम लेंगे फर्स्ट बाई फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन और यहाँ पर हम चाहेंगे तो लिख सकते हैं बाई फर्स्ट जगह नहीं है फिर भी हम लिख देते हैं इक्वेशन ऑफ मोशन ठीक है तो ये यू को इधर लेके आ गए तो v माइनस यू तो इक्वल टू ए ठीक है तो यहाँ पे क्या करेंगे कि टी का वैल्यू हम निकालेंगे तो टी इक्वल टू क्या हो गया तो टी इज टू हो गया ये नीचे चलाएगा तो v माइनस यू बाई ए इक्वल टू टी अब यहाँ पे जो हमारा जो वैल्यू है यहाँ पे ये टी के जगह पे हम इसका वैल्यू टी का वैल्यू यहाँ पुट अप कर देंगे तो टी का वैल्यू जब हम पुट अप करेंगे तो पहले में क्या है भी प्लस यू बाई टू इन टू ठीक है टी का वैल्यू क्या हो जाएगा भी माइनस यू बाई ए अब इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो नीचे नीचे का जो हम मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा टू है. हमको जो अल्जैब्रिक मैथमेटिक्स जो अलजबरा है उसके अनुसार जो है हमको फार्मूला मालूम है क्या मालूम है उसके अनुसार फार्मूला हमको ये पता है कि a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज्कल टू क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्लियर है तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वाजक्ल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी तो यहाँ पर जो वैल्यू जो है इसका इसको हम भी को ए मान लेंगे और यू को बी मान लेते हैं तो क्या हो जाएगा ए प्लस बी ए माइनस बी फार्मूले पर बैठ गया अल्जेबरिक फार्मूले पे तो क्या हो जाएगा <coughs> इसका जो है ये आ जाएगा वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर ठीक है तो वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बटा टू एम अब क्या है कि एस इजकल टू आ गया वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बटा टू एम इसको क्रॉस कीजिएगा यहाँ पे देखिए ठीक है इसको क्रॉस करेंगे तो क्या हो जाएगा टू एस टू ए एस इजकल टू क्या हो गया बी ए स्क्वायर माइनस ये स्क्वायर तो दैट इज प्रूफ तो यहाँ पे भी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इजकल टू टू एस जो हमें प्रूफ करना था ये हम प्रूफ कर दिए ठीक है ना या इसका अगला जो है तो हम इस तरह से प्रूफ कर सकते हैं वी स्क्वायर इजकल टू यू स्क्वायर प्लस टू एस ये इधर चलाएगा तो आ, प्लस में हो जाएगा तो इस तरह से हम इस तरह से भी प्रूफ करने के लिए आता है तो इसे घबराने की जरूरत नहीं है तो इस तरह से हम इसको थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन को हम ग्राफिकली रिप्रेजेंट करते हैं ठीक है तो इसी के साथ ही जो है हम अपना लेक्चर को यहीं पे समाप्त करते हैं फिर नेक्स्ट डे मिलेंगे तो अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें और सब्सक्राइब करें तथा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें यदि आपको कोई डाउट हो तो कमेंट अवश्य करें ठीक है इसी के साथ हम अपना लेक्चर समाप्त करते हैं थैंक यू